आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्वम का 28वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को मान, यश, बल एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिला के राजा को वैशाख माह का महत्तम सुनाते हुए श्रुद्ध देव जी बोले, हे राजन, वैशाख माह की अक्षय तृतीया पर किए गए दान, जप, तप व व्रत का बहुत अत्यधिक महत्व है। यदि इस दिन मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप, तप, दान, व्रत व भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करता है तो वह अक्षय बल, बुद्धि, शौर्य, मान और यश को पाता है। हे राजन, इस विषय पर मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर धरती पर उत्तथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर ऋषि की मंदगामनी गर्भाणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। जब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों द्वारा इंद्र को ऐसा करने से रोका तो इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से अंधा पैदा होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्निदेव, सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, इसलिए आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शची सहित वहीं गुफा में रह रहा है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और शौर्य की प्रशंसा विख्यात स्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दिया है, हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं, अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, शौर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है, इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ
इंद्र की यह बात सुनकर सब ने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, वैशाख अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, शौर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान दान आदि का कार्य करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि कर वैशाख धर्म का पालन किया एवं इस भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से इंद्र देव के बल शौर्य सब पहले की भांति हो गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। हे राजन, तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। इस दिन किए जाने वाला स्नान दान जप तप मनुष्यों को अक्षय फल देने वाला होता है। इति वैशाख महत्तम 28वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।